बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पंजाबी सजनों ते वीरों की आले। उम्मीद करदा कि तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। जिस तरह तुसी जानते हो, मैं अपने पंजाबी भरावां वास्ते पंजाबी जबान दे विच बिजनेस आइडिया लैके हाजिर हुंदा रहना। अज का जिहड़ा बिजनेस आइडिया है साडा, असी बगैर पैसों तो पैसा किस तरह कमा सकने हां, वो भी थोड़ा बहुता नहीं, कट्ठा 5 लाख रुपया एक महीने दे विच कमाउण दा मैं अपने पंजाबी भरावां नूं तरीका दसांगा। कोई भी काम है, जरूरी नहीं कि पैसा पैसे नाल कमाया जाए, बगैर पैसों तो भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन बगैर पैसों तो जड़ा पैसा कमाया जाता है वो दिमाग का इस्तेमाल करके तुसी पैसा कमा सकते हो, मेहनत करके नहीं। अज के आइडिया दे विच मैं अपने वीरां नूं इहो ही गल दसांगा कि तुसी किस तरीके दे नाल दिमाग का इस्तेमाल करके आए पैसा कमाना है। जिहड़ा मैं अज तुहानू आइडिया देण लगा, ये कोई आइडिया नवा नहीं, बहुत सारे लोग इस आइडिया ते अमल करके ते बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, ते बिल्कुल तुसी भी कमा सकते हो। तुसी करना है वे कि किसी भी कारोबार को देखो, जिहड़ा कारोबार डुब रहा होवे ते नुकसान च कारोबार जा रहा है, उस कारोबार को तुसी प्रॉफिट में लैके आना है। मैं अपने शहर की गल करांगा, साढ़े शहर के एक पीज़े वाली दुकान सी जिहदा कारोबार बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा सी, ते अन करीब मालिक उस पीज़ा शॉप नूं छड़ के नसण दे चक्करां च सी, ते अचानक एक पार्टी मिली। उन्होंने आख्या कि भाजी जी, असी तुहानूं कस्टमर देंगे, असी तुहानूं गाहक देंगे, तुहानूं भजन की जरूरत नहीं, तुसी गाहकां नूं की डिस्काउंट दोगे जिहड़े गाहक असी तुहानूं देने आ। उन्होंने आख्या जी, असी तुहाडे गाहकां नूं 20% डिस्काउंट देंगे, यानी कि रियायत 20% असी तुहाडे गाहकां नूं करके देंगे। हुण तुसी अंदाज़ा लाओ कि अगर एक पिज़्ज़ा 1,000 रुपए का है, तो जिहड़ा गाहक उन्हां दे रेफरेंस दे नाल जाएगा, उन्हां दे तलक नाल जाएगा, तो उन्होंने उही पिज़्ज़ा 800 का लगेगा। ये डिस्काउंट ये रियायत की सी पिज़्ज़े वाले ने, ये उन्हां दे कस्टमर वास्ते। उन्होंने की किया कि अपनी एक कंपनी बनाई, अपना एक नाँ रखिया, नाँ रख के ते उन्होंने एक कार्ड बनवाए, तो जिदे उत्ते बकायदा उस पिज़्ज़ा शॉप का नाम भी रख दिता। जो उस पिज़्ज़ा शॉप का नाम भी लिखा गया, तो उन्होंने उस कार्डा वेचना शुरू कर दिता, वो मार्केटिंग की कि फला पिज़्ज़ा शॉप जी है उद्दे जोड़ा पिज़्ज़ा है, तुम साडा कार्ड खरीदो तो सारी जिंदगी वास्ते 20% रियायत लवो। हुण होया कि हर बंदे ने सोचा कि यार पिज़्ज़े तो असं महीने के 3 या 4 पिज़्ज़े खाने हाँ, ये कार्ड की कीमत है 500 रुपया, सानू एक पिज़्ज़े के पिछे 200 रुपया रियायत मिलती पी है, यानी कि 5 पिज़्ज़े का 1,000 रुपया असं एक महीने के पूरा कर लाँगे। तो उन्होंने उ 500 रुपए के कार्ड खरीदया। हुण कार्ड वेचण वाला 500 रुपए के कार्ड वेच रहा सी, ते अचानक उन्हें रोज़ाना का एक टारगेट रखा कि मैं रोज़ाना दे कम अज़ कम 40 कार्ड वेचने ने, तो पूरे महीने के वेच 40 कार्ड वेच के, अगर वो एक दिन की छुट्टी भी करता सी तो फिर भी पूरे महीने के वेच 1,000 कार्ड उन्हें सेल किया। जिहड़ा बंदे ने कार्ड सेल किते सी, उन्हें एक कार्ड की कीमत 500 रुपया रखी सी, तो एक महीने के अंदर 1,000 कार्ड वेचिया, तो वेच के उन्हें एक यानी कि 1,000 कार्ड, एक कार्ड की कीमत 500, तो 1,000 कीमत कार्ड की जिहड़ी कीमत बनती है वह 5 लाख रुपया बनती है। अंदाजा करो कि 1,000 कस्टमर, 1,000 गाहक उस पिज़्ज़े वाले नूं भी मिल गया, तो 5 लाख रुपया उस बंदे ने भी कमा लिया। उम्मीद है मेरे वीरां नूं मेरी गल समझ आ गई होगी। किसी भी बिजनेस नूं, किसी भी कारोबार नूं तरक्की देने वास्ते थोड़ा जिहा ज़हन का इस्तेमाल करना पैंदा है। अज वक्त विच उही पिज़्ज़ा शॉप जिहड़ी सीगी, जिहड़ी तुहानूं दस्सिया कि पिज़्ज़े वाली दुकान डुब रही सी, मालिक पिज़्ज़े शॉप नूं दुकान नूं छड़ के नसण दे चक्कर च सी, अज उही दुकान एक नंबर पर चल रही है, बहुत सारा उन्हां दा कारोबार है। मकसद कि रोज़ाना 1,000 कस्टमर दे विचों अगर उन्हां कोलों 100 कस्टमर भी आवे, तो उन्होंने एक दिन की सेल जी है वह 80,000 तो 1 लाख तक जाती है, जिहड़ी कदी सेल सिर्फ और सिर्फ 15 तो 20 हज़ार से,
ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।